सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है स्नेजिस पाढ़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। अगर आप चैनल में नए हो तो फिर आपको दिया, आपको इधर लिखा भी है कि मिशन आया विद स्नेहा से सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। सो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि जेनेविया कन्वेंशन 1949 के दौरान जो भी हुआ है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है जेनेविया के अंडर, और वो इम्पैक्ट इंडिया से और डिफरेंट कंट्रीज से कैसे इम्पैक्ट किया है, वो सारा हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर देखें तो क्वेश्चन को हम स्टिक करते हैं अगर क्वेश्चन को स्टिक करते हैं तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जेनेविया कन्वेंशन ऑफ 1949, जो कि जेनेविया की तरफ से है। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? इट एंश्योर दैट द पार्टीज वुड बी कन्वेंशन मस्ट हैव देमसेल्फ एज ए ह्यूमन वे विथ कम्पैक्ट एंड प्रिजनर ऑफ वॉर्स। सेकेंड है, इट रिसेंटली साइंड दिस कन्वेंशन इन February 2019। सो 2019 में कुछ भी जेनेविया का एम्बॉडमेंट और एमओयू का साइन नहीं हुआ है। एमओयू का मतलब ये है कि अंडर साइन, जो कि डिफरेंट लेजिस्लेटिव एक्शनल अफेयर्स, बायलेटरल रिलेशनशिप रखते हैं, उसको ही एमओयू बोलते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। सो जेनेविया एंड इंडिया का कोई भी अब तक साइन नहीं हुआ है, लेकिन वो 1950 में है, 4 टाइम्स ऑफ साइन हो चुका है। लेकिन अगर देखें आप एक्सप्लेनेशन के साथ अगर देखें तो पहला नंबर ऑप्शन ही करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? द जेनेविया कन्वेंशन एंड द एडिशनल प्रोटोकॉल आर द इंटरनेशनल ट्रेड दैट कंटेन्स एन इम्पॉर्टेंट रोल लिमिटेटिंग द बारबेट्री ऑफ वॉर। दे प्रोटेक्ट पीपल हु डू नॉट टेक पार्ट इन द फाइटिंग, सिविलियन, मेडिसिन एंड वर्क, एंड हुज नो लॉन्गर फाइट वाउंडेड सिक्स एंड विपर ट्रूप्स प्रिजन। सो इसका मतलब है कि जिनेविया में क्या स्थिति है? UN, जो कि पीस में बहुत शामिल है। सो यूनाइटेड नेशन जो भी है, यूनाइटेड नेशन क्या करता है? पीस, स्टेबिलिटी ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड को क्या करता है? पीस में रखने के लिए वो ही जानता है, वही उनका उद्देश्य है, वही उनका मेन प्रोपेगेंडा है। सो अगर पहला नंबर ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि वो क्या करता है, वो क्या करता है, कम्बैक्ट ऑफ डिफरेंट वॉर्स, वॉर्स अगर हो गया, उसमें से कितना लॉस हुआ, उसमें से कितना लाइफ चला गया, वो सारा क्या करते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ रूलिंग, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोकॉल्स ऑफ इंटरनेशनल कंटेंट। सो इसका मतलब यह है कि वो उस कन्वेंशन में कैसे प्रोटेक्ट दिलवाए डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पीपल को, जिसमें कौन कौन सा मीन्स बहुत सारा स्टेजेस पास करके आए हैं, लेकिन उनका मेन मोटिव है, उनका मेन उद्देश्य है, उनका मेन मोटो है ये कि टू प्रोटेक्ट पीपल। ठीक है, इस कन्वेंशन के दौरान हम ये सीखे कि द जेनेविया कन्वेंशन एडिशनल प्रोटोकॉल आर इंटरनेशनल ट्रेड एंड कंटेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स। ठीक है, वो क्या करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स, जो कि इमिटेटिंग बारबिट्री ऑफ वॉर, द प्रोटेक्ट पीपल हु डू नॉट टेक पार्ट इन द फाइटिंग। सो इसका मतलब है कि जो जो जिस जो में सिविलियन, मेडिसिन एंड वर्कर्स में प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, फाइटिंग नहीं करते हैं, सो उनका उद्देश्य है कि उनको प्रोटेक्ट कैसे दिलवाएं। एंड हु इज नो लॉन्गर फाइट वुड बी वुंडेड सिक, जो कि वॉर से डिफरेंट ट्रूप डिफरेंट वुंडेड से सिक से वो मीन्स अगर बीमार पड़ गए, उन सभी को कैसे हम एग्जैक्ट प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी दे सकते हैं, वही जेनेविया कन्वेंशन 1949 के दौरान है। अगर देखें तो इंडिया साइंड द 4 1949 जेनेविया कन्वेंशन इन 1950 में ही साइन कर चुका है, लेकिन वो 2019 में अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा जेनेविया कन्वेंशन क्या है। धन्यवाद।